हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो के अंदर। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे कि इस बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं और कितने कितने नंबर के आएंगे। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले आपके जो यूनिट फर्स्ट है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, उसके अंदर आपके चैप्टर फर्स्ट है फिजिकल वर्ड और सेकंड चैप्टर है यूनिट 10 मेजरमेंट। ये दोनों चैप्टर आएंगे आपके और वो दोनों चैप्टर आपके 7 नंबर के होंगे। दूसरा यूनिट है आपके काइनेमेटिक्स, उसके अंदर आपके चैप्टर थर्ड मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन और चौथा चैप्टर है मोशन इन ए प्लेन। ये दोनों चैप्टर आएंगे आपके और वो होंगे 13 नंबर के। तो इस तरीके से आपके चैप्टर की बार एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। फिर यूनिट थर्ड है लॉज ऑफ मोशन, उसके अंदर आपका पांचवा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, वो आपकी बार आएगा और 7 नंबर का रहेगा। और फिर यूनिट 4 है वर्क पावर एंड एनर्जी, उसके अंदर आपका जो छठा चैप्टर है वो आपकी बार 7 नंबर का आएगा हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर। तो इस तरीके से आपकी बार आपके हाफ ईयरली एग्जाम का फिजिक्स का सिलेबस रहेगा और इस तरीके से आपके है जो नंबर रहेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।